नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लगातार मामले सामने आते हैं और कुछ नेता अपने बयानों से यू टर्न ले लेते हैं, यानी यूं कहें तो उनकी बयानों को जब पार्टी ही तवज्जो नहीं देती है तो उसके बाद उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है और ये समझ में नहीं आता है कि वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या अपना वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की है। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे थे, इस मामले के बीच अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लगातार चर्चा यह थी कि बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन आज बिहार का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली गया था, वहां चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने इन सभी मुद्दे को लेकर सीधा कह दिया है कि जातीय जनगणना बिहार में होगी और केंद्र सरकार नहीं भी चाहे तो। लेकिन अब फिर से इस बात को लेकर सभी नेता एक तरफ है तो भाजपा भी इस तरफ आ गई है। भाजपा की तरफ से जनक राम इस डेलीगेशन में शामिल हुए थे और सुबह भी हमने खबर के माध्यम से आपको बताया था उनके शामिल होने के पीछे का कारण क्या है, किस वजह से शामिल हुए थे। और इस मामले को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री रहे, आपको बता दें कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने अपने बयानों से किनारा कर लिया है और आज उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कार्य नहीं करती है और जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ है, पहले भी साथ थी, इस बार भी साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इसके पहले उन्होंने बयान दिया था तो इस तरीके की बातें निकलकर सामने नहीं आई थी। भाजपा ने क्लियर कर दिया था कि जातीय जनगणना एसटीएससी को छोड़कर बाकी किसी जाति का नहीं होगा। अब इस स्थिति में भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान आता है और जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यूं ही कहा जाएगा कि भाजपा के नेता अपने बयानों से किनारा कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जिस बात पर मुहर लगा दी है तो नरेंद्र मोदी के उस बात में हां मिलाने के लिए अपने बयानों से यू टर्न ले लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।